नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वराज के 735 FE ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर एक 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर आपको एक 35 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे हिसाब से स्वराज का 735 FE ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगी। ये जो ट्रैक्टर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देता है, एवरेज काफी बढ़िया देता है और कंपनी ने नए जमाने के हिसाब से कई सारे इस ट्रैक्टर में बदलाव करे हैं। ट्रैक्टर आपको बाहर से दिखने में एज इट इज पुराने ट्रैक्टर की तरह लगेगा, लेकिन इस ट्रैक्टर में कई सारी नई नई कंपनी ने चेंजेस करे हैं। जैसे कि इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है, इस ट्रैक्टर में आपको डुअल क्लच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है, इस ट्रैक्टर में आपको टायर साइज के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। कई सारे ऑप्शन जो कंपनी ने इस ट्रैक्टर में दिए है और इस ट्रैक्टर को और भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया है। काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी जो इस ट्रैक्टर में यूज करी गई है, ट्रैक्टर जो काम काफी बढ़िया निकालता है, टॉर्क काफी अच्छा जनरेट करता है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देता है। एक मध्यम वर्गीय किसान के हिसाब से काफी बढ़िया ट्रैक्टर माना जाता है और ये ट्रैक्टर जो है खेती के सभी काम काफी आसानी से कर सकता है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर जो कीमत है तकरीबन 5,60,000 से लेकर 6,00,000 के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती, कम ज्यादा होती रहती है। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अलग अलग RTOs के चार्जेस वगैरह डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से भी ऑन रोड प्राइस जो है वो ट्रैक्टर की डिफरेंट हो सकती है। और अगर आप इस ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग के साथ, बड़े टायर साइज के साथ या फिर डुअल क्लच के साथ लेंगे तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको महंगा पड़ेगा, तो उस वजह से भी कीमत जो है कम ज्यादा हो सकती है। मैंने जो आपको कीमत बताई इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ये ट्रैक्टर जो आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 26.09 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर में आपको 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है। इस ट्रैक्टर इंजन के मॉडल की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको RV3XM+3A मॉडल वाला इंजन देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर इंजन के सिलेंडर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2734 CC की पावर जनरेट करता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के बोर और स्टॉक के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 100 mm का बोर और 116 mm का स्टॉक का साइज देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया, काफी हैवी ड्यूटी पिस्टन जो इस ट्रैक्टर में यूज करे गए हैं। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर इंजन के RPM के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 1800 RPM जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर इंजन के एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3-स्टेज ऑयल बार टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर का अगर हम कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम वाला इंजन देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है, काफी हैवी ड्यूटी इस ट्रैक्टर का इंजन बनाया गया है और काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन करा गया है। ट्रैक्टर का इंजन जो काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस ट्रैक्टर को ज्यादा पीटीओ के काम के हिसाब से यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको इस ट्रैक्टर को डुअल क्लच के साथ लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको नॉर्मल घर के काम के हिसाब से ट्रैक्टर का यूज करना है तो आप इस ट्रैक्टर को सिंगल क्लच के साथ भी ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल कॉन्स्टेंट मैश वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर गियर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में काफी बढ़िया, काफी हैवी गियरबॉक्स जो दिया गया है और गियर की जो शिफ्टिंग है वो भी काफी स्मूथ होती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर रिवर्स स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 10.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकता है। काफी अच्छी रिवर्स स्पीड जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के ब्रेक्स के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल मस डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम जो चुन सकते हैं। फिलहाल ऑयल मस डिस्क ब्रेक जो है काफी बढ़िया माना जाता है, तेल में डूबे जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और काफी ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपने बजट के हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम जो चुन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो वो तकरीबन 1000 किलोग्राम। काफी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको पोजीशन कंट्रोल, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट कंट्रोल और मिक्स कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है। ट्रैक्टर की लिफ्ट जो काफी अच्छे तरीके से और काफी प्रेसाइसली परफॉर्म करती है और काफी अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टीयरिंग टाइप जो चुन सकते हैं। काफी बढ़िया, काफी हैवी ड्यूटी स्टीयरिंग टाइप जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर पीटीओ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6-स्पिन शॉट वाला पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के RPM के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 540 RPM जनरेट करता है और 1000 RPM जनरेट करता है। काफी अच्छे RPM जो इस ट्रैक्टर पीटीओ में आपको देखने को मिल जाते हैं।
चलिए हम बात करते हैं सेक्टर पीटू के हॉर्सपावर के बारे में। तो सेक्टर जो पीटू तकरीबन 32.6 हॉर्सपावर की पावर जनरेट करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप इस चक्र पीटू के मदद से रोटावेटर, थ्रेशर और भी कई सारे जो इम्प्लीमेंट है काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्टर जो पीटू पे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और एवरेज भी काफ़ी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं चक्र टायर के साइज़ के बारे में। अगर हम बात करें चक्र फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में, तो इस चक्र में आपको 6x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें चक्र पिछले टायर के साइज़ के बारे में, तो इस चक्र में आपको 12.4x28 का पिछले टायर साइज देखने को मिल जाता है और इस चक्र में आपको 13.6x28 का पिछले टायर साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टायर साइज जो चुन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा काम रहता है तो आप इस चक्र को 13.6x28 के टायर साइज के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा काम नहीं है, आपको केवल घर के काम के हिसाब से ट्रैक्टर चाहिए, तो आप इस चक्र को 12.4x28 के टायर साइज के साथ भी ले सकते हैं। एक 35 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया टायर साइज जो इस चक्र में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं चक्र डायमेंशन वेट के बारे में। अगर हम बात करें चक्र टोटल वजन के बारे में, तो वो तकरीबन 1895 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3470 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1695 mm। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 2255 mm। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1950 mm और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 395 mm। तो अगर आप इस चक्र का ओवरऑल साइज देखें तो काफ़ी बढ़िया साइज जो इस चक्र में दिया गया है और इस चक्टर में आपको काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। ट्रैक्टर का वजन भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी हैवी इस ट्रैक्टर को बनाया गया है और स्वराज कंपनी जो अपने ट्रैक्टर में बिल्ड क्वालिटी और पेंट क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया देती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की वारंटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको टोटल 2 साल की वारंटी मिलती है। बाकी इधर कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा वारंटी देती है, 5-6 साल की वारंटी देती है, तो आप उस झांसे में मत आइएगा, वो केवल एक मार्केटिंग टेक्निक है। कंपनी जो काफ़ी बढ़िया वारंटी देती है, काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है और इस ट्रैक्टर जो पार्ट्स वगैरह वो भी काफ़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं और इसके अलावा स्वराज के जो ट्रैक्टर है उनका मेंटेनेंस खर्चा भी काफ़ी कम आता है। तो किसान भाई, अब सबसे बड़ा सवाल है कि स्वराज का 735 FE ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट कम है, अगर आपको एक 35 हॉर्सपावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। स्वराज का 735 FE ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है और ये जो ट्रैक्टर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देता है, एवरेज काफ़ी बढ़िया देता है और समय के हिसाब से कंपनी ने इस चक्र में नए नए बदलाव करे हैं, जो कि इस चक्टर को और भी ज्यादा बेहतर बना देते हैं। तो फिलहाल किसान भाइयों, ये थी जानकारी स्वराज के 735 FE ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान कभी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसान भाई, हमने स्वराज के बाकी ट्रैक्टर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान कभी पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।